शिवाय ओम। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय भस्माय रागा महेश्वराय। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय भस्माय ओ सभी गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। नमस्ते सर। टाइम क्या हुआ? 8:59। 9 to 6, 36 फ्रेम में अपने डिजिटल कैमरा में सब फोटो क्लिक करेंगे, कोई डिलीट नहीं करेगा। गलती हो जाए तो हम उस पर काम करेंगे। ओके सर। ओके सर। 9 to 6 कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। नो चैटिंग, नो व्हाट्सएपिंग। ओके सर। ओके सर। हर फ्रेम तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। क्या है ये? ठीक है सर, मैं समझ गया सर। सर 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 गुड। सिर्फ फोटोग्राफी में ही वक्त को रोक देने की कला है। प्रभा, तुमने जो मेरी फोटो क्लिक की ना, जब भी मैं उसे देखूंगा तो 37 का ही रहूंगा। सो मेक इट काउंट, लिव द मोमेंट। सर एक सेल्फी सर। हाँ, सर, सर मुझे भी एक। सबको दिखने दो, क्लिक करो। किसी को गाड़ी चलानी आती है सर, क्या? मुझे आती है, आई कैन ड्राइव। पक्का आती है? हाँ। कल सुबह तैयार रहना। ओके सर। मैं बीच में उठकर चेक करता रहूंगा, 100 के ऊपर स्पीड गई तो देख लेना। ओके सर। और सुनो, अगर तुम्हें नींद आए तो बता देना, नहीं तो गाड़ी ठुक जाएगी, समझी? Thanks. तंजावुर सर, आप गहरी नींद में थे सर, तो इसलिए उठाया नहीं मैंने। कोलीडम ब्रिज पर कुछ काम चल रहा है, तो तंजावुर के रास्ते से जाना पड़ेगा। और गूगल मैप ऑन है? सीधा चलो। पर गूगल लेफ्ट बता रहा है। गूगल को छोड़ो, मेरी बात सुनो, सीधा चलो। ओके सर। ग्लास नीचे कर दो, ताजी हवा को महसूस करो। कैसी लगी मेरे गांव की हवा? ये आपका गांव है सर? यही वो जगह है जहां मैं पला बढ़ा। वो देखो पुराना बस स्टैंड। मेरे बाबा शादी के बाद पहली बार जब आए थे तो यहीं उतरे थे। वो देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं यहीं पैदा हुआ था। वहां देखो वो दिख रहा है ना, वो ओरिएंटल टावर्स है, हमारे शहर का सबसे पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये राइट साइड पर राजूज बेकरी, पेट भले भरा हुआ, ऊपर केक देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये हॉस्पिटल देख रही हो? इसके बगल में मेरा घर हुआ करता था। सब कितना बदल गया है। मैं गाड़ी रोकूं सर? नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो रुकना पड़ जाएगा। पता है ये क्या है? बड़ा सा मंदिर। हाँ, किसने बनाया था? राजा चोलन। हे, क्या हुआ सर?
गाड़ी स्पीड में उसके आगे ले चलो। क्या स्पीड से जाकर अचानक गाड़ी उसके सामने रोक सकती हो? ये देखिए। ठीक है चलो 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 और तेज और तेज। और इतना थोड़ा और। बस 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 बस। टरेंग टरेंग। गुड मॉर्निंग ऑफिसर के रामचंद्र 10C। ए छोटू। अरे आप हो क्या? बड़े दिनों के बाद मिले। मैं भी सोचूं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो सीधे मुझ पर गाड़ी चढ़ा दे। आप ठीक तो हो ना? ये क्या बात हुई? आप मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हैं? पहले की तरह बुलाइए ना। आपकी हंसी तो बिल्कुल भी नहीं बदली। चलिए चाय पिलाइए। यहाँ आना कैसे हुआ? वो हुआ ये कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? अंकल एक बार स्कूल के अंदर जाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं जा सकते। बहुत सख्ती हो गई है। पहले प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर माता पिता के साइन की जरूरत पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं सच में? ए बेवकूफ की तरह क्या पूछ रहा है भाई, तेरा स्कूल है, सीधे अंदर जा।
आप कब आए? बस अभी। वो जरा पत्थर उठाना। पुरानी यादें ताजा हो गईं। टन टन टार। बिना तोड़े निकाल दिया ना। थैंक यू। तुझे याद है वो तेरा दोस्त जो हमेशा तेरे साथ में रहता था, टीका लगाता था, फिलोमिना नगर में रहता था? क्या अभी भी तेरी बातचीत होती है उसके साथ? नहीं, काम की वजह से वक्त ही नहीं मिलता। क्या स्कूल की फोटो है? हेलो, मैं ऑल सेंट स्कूल का वॉचमैन बोल रहा हूँ। अरे चाचा, मुरली बोल रहा हूँ। कैसे है मुरली? कैसा है रे? अरे तुझे वॉचमैन चाचा अभी भी याद है? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ। अरे तेरे बारे में ही बात कर रहे थे तो राम ने तुझे फोन लगा दिया। तबीयत ठीक है ना? एकदम कड़क। तू बता बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तू बस अपने काम पे ध्यान दे। राम, मुरली तुझसे बात करना चाहता है। ले। अबे ओए, तू वहां कैसे पहुंच गया? मुझे भी नहीं पता। अबे ये कौन सा जवाब है? स्कूल कैसा है? सुन, पहले जैसा ही है? कुछ तोड़-ताड़ दिया है? यार एकदम पहले जैसा ही है। वही बिल्डिंग, वही टेबल, वही चेयर, वही वॉचमैन। अच्छा सुन, वीडियो कॉल करना। क्या बकवास कर रहे हैं वीडियो कॉल करना, आके खुद ही देख लेना। अबे ओए, करना यार। यार यादें जुड़ी हैं यहाँ, आके देखना। 10-15 साल हो गए लेकिन स्कूल अभी। 10-15 साल? हाँ, अबे दूंगा खींच के। हम 96 में निकले थे, अभी 2016 है। याद दिलाना पड़ेगा क्या? लगता तेरा मैथ्स कमजोर हो गया है। ए, 20 साल बीत गए। हाँ यार, बाप रे, यकीन ही नहीं हो रहा यार, अब हम बड़े हो गए हैं। अरे यार याद मत दिला, तूने इतनी सारी जगह घूम ली, मैं तो तमिलनाडु के बाहर गया भी नहीं। चल कोई नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है देखने को। मैं लिस्ट बना रहा हूँ। और तू चेन्नई कब आ रहा है? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तंजावुर से आ रहा हूँ, पहुँच के तुझे फोन करता हूँ। तू लिख के भी देना तो भी ना मानू तेरे वादे। वैसे ये अचानक तंजावुर कैसे जाना हुआ? मैं सब आकर बताता हूँ बहन। तुम्हारे पास हमारे दोस्तों के नंबर है ना? मुझे उनसे बात करनी है। ए पागल है क्या तू? सबके नंबर ढूंढने बैठे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अच्छा, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, मामूली सी बात है। स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सारे नंबर्स हैं उसमें, वो कब काम आएगा बेवकूफ। ये तो पूछ उसका एडमिन कौन है। अरे और कौन, तू ही होगा ना, स्कूल में भी तू ही होता था, भला इस मामले में तेरा कोई मुकाबला है क्या? हाँ, अब तू भी उसी का हिस्सा होगा। अच्छा, अभी तुझे ऐड कर लेता हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है? थैंक्स यार। वेलकम बैक टू स्कूल मिस्टर के रामचंद्रन। मे आई कम इन प्लीज? नहीं, तू हमेशा लेट होता है। हाय फ्रेंड्स। तू तो किसी सोशल मीडिया में नहीं है, तू ग्रुप में कैसे आया? आज सुबह मैं स्कूल गया था, क्लास और प्लेग्राउंड देखने के बाद मेरा सबसे बात करने को मन किया। हे, अब तुझे हम सबकी याद आ रही है क्या? चल ठीक है, ले देख ले मुझे। हे राम, अभी की कोई फोटो भेजना, देखे तो कैसा दिखता है तू। ग्रुप का नाम है 96 बैच। 20 साल हो गए यार स्कूल से निकले हुए, मजा आ जाएगा अगर एक रीयूनियन हो जाए। अरे अभी सभी लोग ऑनलाइन है तो चलो जगह फिक्स कर लेते हैं अभी के अभी। आज तारीख क्या है? 7 जून। आज से ठीक 2 महीने बाद हमारी रीयूनियन होगी, मतलब कि मार्च 7 चेन्नई में। सभी पहुंच जाना, नहीं तो देख लेना। डबल ओके, जो नहीं आएगा फूट फूट के रोएगा। सही कहा बॉस। आई मीन राम, हमें तुझे इसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। के रामचंद्रन जिंदाबाद। सही है, इतनी जल्दी सब फिक्स भी हो गया। अरे कोई मेरी बीवी से बात कर लो, मैंने पूछा तो आने नहीं देगी। क्या हम बच्चों को ला सकते हैं? उन्हें छोड़कर आना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ फैमिली के साथ आओ ना। जब से ग्रुप बना है ना, पहली बार तुम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सॉरी मैं नहीं आ पाई, लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। Hi, what's up, dude? How are you doing? मुझे पता है, English बोलते हुए देखकर तुम सब जल रहे होंगे। अरे ये तो विनोद है। Hi. Hey. Hi. Hi. कैसे हो? You? I'm fine. अबे गधे, तुझे बोला था ना मंदिर से लेफ्ट ले और फिर सेकंड राइट, तू उल्टा चला गया। ओए, वो मुझे नहीं पता, वापस मंदिर आ, वहीं से रास्ता बताता हूँ।
रुक 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 मुरली कैसा है भाई? आ जा। हेलो। अरे सुनो, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने तो एक्स्ट्रा खाना भी मंगवा लिया है। मैं 3 बार फोन कर चुका हूँ उसे। अब अगर फोन किया ना तो फोन में घुस के मारेगा, ऐसा उसने कहा और उसने फोन काट दिया। पर उसके बावजूद मैंने उसे फोन किया। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाला है। ये गुलाब जामुन है? ईटे हैं, खानी है क्या? फेसबुक पर एक लड़की के लिए कविता लिखकर पोस्ट की थी। कौन थी वो? कौन सी कविता? गीता। क्या क्या कर रही हो? अबे मार डालेगा क्या? छोड़ अरे छोड़ मैं। गीता, बोलो अपने दिल के दरवाजे की चाबी का रास्ता तो। अपनी जान दे दूं मैं, सारी खुशियां अपनी निछावर कर दूं मैं। ए, मैं लड़की हूं क्या? अच्छा जा, अब अपनी प्यारी बहन से मिल ले इससे पहले कि कुछ चुड़ैल बन जाए। हाँ, कोई जल भून रहा है। हाँ हाँ, आओ आओ, तुमने तो उसी दिन मिलने का वादा किया था ना। मेरी भांजी, देख मामा आया है। भांजी, अगर लड़का हुआ तो इसका मामा नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे लड़की चाहिए, नाम सोच लिया है। हाँ, इंद्रायणी। अच्छा लगा ना? हाँ, उसे भी अच्छा लगा। अच्छा चलो ठीक है, मिठाई खाओ। हाय सतीश, कैसे हो तुम? शादी और बच्चे हो गए तब बात करने आई हो तुम? हाँ, जब मैं कुछ बोलता तो ऐ करके भाग जाया करती थी। सर यू डोंट वरी, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, ये बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम के टाइम पे ना ये हम सबको नकल करवाती थी, है ना? हाँ बिल्कुल, तभी हम पास हुए। यार किसी को पता ही है ये कैसी फोटोज खींची हैं? फेस पर तो जरा भी लाइट नहीं है। बकवास, खुद को फोटोग्राफर कहता है। ए, सब लोग आ गए क्या? खाना खाएं? अरे 4 लोग अभी आने बाकी है, 3 तो भटक रहे हैं, चौथे का पता नहीं। ये चौथा कौन है? इशारे क्या कर रहे हो? बोलो ना मुझे। ओए छोड़ ना यार, बोल रहा हूँ ना यार। बोलो भाई, क्या हुआ? ये अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? जानू हमारे लिए जानू सब कुछ थी, पर जानू के लिए सिंगिंग ही सब कुछ। वो या तो गाती थी या गाने के बारे में बातें करती रहती। राग ताल टेम्पो,
हमें कभी कुछ समझ में नहीं आया। ए रुकना, मैं आ रहा हूँ। जानू के पैदा होने से पहले ही उसके परिवार ने नाम सोच लिया था, वो जाने माने गायक के नाम पर ही होगा। लड़का हुआ तो एसपी बाल सुब्रमण्यम और अगर लड़की हुई तो एस जानकी। उसके परिवार को संगीत से बहुत लगाव था। जिस दिन से उन्होंने उसका नाम जानकी देवी रखा तब से उसने सिर्फ एस जानकी के ही गाने गए, किसी और के नहीं। सुबह शाम सभी दिशा में हिंदुस्तान का गौरव गूंजे, गौरव गूंजे। कभी कभी रेडियो पर गाने सुनते हुए लगता था, अरे ये तो मेरी जानू का गाना है। उसकी आवाज, उसका चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। मैं सिर्फ उसकी आवाज का ही दीवाना नहीं था बल्कि जानू का भी था। उसे भी मालूम था कि एक ही वजह थी मेरी 90% अटेंडेंस होने की, और वो थी जानू। वैसे तो हम बचपन से ही साथ में पढ़ रहे थे, तब से लेकर आज तक उसने जो कुछ भी कहा मैं सुनता रहा। अगर उसे कोई भी मदद चाहिए तो वो सिर्फ मुझसे कहती। जब मैं अपने बुरे मार्क्स को लेकर स्कूल में उदास होता तो सिर्फ जानू को इस बात का एहसास होता। वो मेरे पास आकर पूछती थी, क्या हुआ? इतना ही काफी था। उसके पूछने भर से मैं खुशी से झूम उठता, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। दोस्तों के सामने बड़ाई मारने के लिए इतना बहुत था। मैं बता नहीं सकता कि जानू मेरे लिए क्या थी। जब भी मैं मंदिर जाता तो सिर्फ एक ही मनोकामना करता, हे भगवान जानू को हमेशा मेरी नजरों के सामने रखना। हेमलता, प्रेजेंट मैम। जमशेद, प्रेजेंट मिस। जानकी, जानकी देवी, एब्सेंट मिस। जय गणेश, प्रेजेंट मिस। मुरली, प्रेजेंट मिस। एस नित्यानंद, प्रेजेंट मिस। नंदगोपाल, प्रेजेंट मिस। राजमुर्गन, प्रेजेंट मिस। के रामचंद्रन, प्रेजेंट मिस। सतीश, यस मिस। डी सेल्वम, प्रेजेंट मिस। सुभासिनी, प्रेजेंट मिस। Today we are going to see about cell biology. Cell means what? It can basically, functionally, biologically also be known as living organisms. क्या हुआ रे? आज मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं? जानू नहीं आई, पता नहीं क्यों। हेमलता, मिस। जमशेद, प्रेजेंट मिस। जानकी देवी, एस जानकी देवी, व्हाट हैपेंड टू हर? आई डोंट नो मिस। सिट। मुरली, प्रेजेंट मिस। नित्यानंद, प्रेजेंट मिस। नंदगोपाल, प्रेजेंट मिस। रामचंद्रन, के रामचंद्रन, प्रेजेंट मिस। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, ऑलवेज डे ड्रीमिंग। सिट। सतीश, प्रेजेंट मिस। डी सेल्वम, प्रेजेंट मिस। सुभासिनी, प्रेजेंट मिस। मैंने क्या किया? बुलाओ उसे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दैट मेक्स दिस हैपन varies greatly depending on the size of the organism, the environment in which it lives and its evolutionary history. Kya hai? Janu kahan hai? Mujhe nahi pata. In land animals, the respiratory surface is internalized as lining. Tum mere haathon se kya phool jhadenge? Have a look at the. Tu hamesha uske saath rehti hai, tujhe nahi pata kya? Mujhe nahi pata aur mujhe kaise pata hoga? मैं तो तेरे साथ ही आती जाती हूँ ना, मुझे तो उसका घर भी नहीं पता। अब तू उसे छोड़ और जरा पढ़ाई में ध्यान लगा। Thank you.
उसे पता है कि जानू का घर कहाँ है। बोल रहा है कि कावेरी सुपरमार्केट के आसपास ही है। उसके घर के बाहर सुकुमार नाम का बोर्ड लगा हुआ है। यही कहीं होना चाहिए। भाई घर तो नहीं मिल रहा, वापस चलते, अंधेरा हो रहा है। अगर देर हो गई तो मम्मी बहुत मारेगी, वो मंडे को स्कूल पक्का आ जाएगी। क्या हुआ? आ? लेट क्यों हो गए? वो स्पेशल क्लास। क्या है? जा। बोला ना और नहीं चाहिए। मुझे दो। मैंने जानू को 4-5 दिन बाद देखा था, वो बीमार लग रही थी। अगर मैं पहले जैसा ही होता तो मैं भाग कर जाता और पूछता कि जानू क्या हुआ, कैसी है तू जानू। उस दिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया, किसी चीज ने मुझे रोका हुआ था। तो ठीक है, सब उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, बस मैं नहीं। All of you go to your place. मैं उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर उसे पूछना चाहता था कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई और उसके बिना मेरी क्या हालत हो गई थी, पर मैं पूछ ना सका। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम स्कूल क्यों आई? अब मैं ठीक हूँ मिस। तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए था, सुबह इसका ध्यान रखना। ठीक है मैम। ऑल ऑफ यू टेक योर क्लास बुक। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं, पर इतना जरूर समझ गया था कि ये हमारी क्लास का पहला प्यार था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पर मेरे अंदर खुशी के मारे एक हलचल सी हो रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। इतनी खुशी कि मैं 7वें आसमान पर था। उसके बाद से मैं कभी जानू से हर रोज की तरह बात ना कर सका। मुझे शर्म आती थी, जैसे ही वो देखती मैं नजरें चुरा लेता। मैं इस बारे में सुबह को बताने से खुद को रोक ना सका। (स्थाथ)
उसके बाद से सारी बातें आंखों आंखों में होने लगी। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर किसी तरह सतीश को पता चल गया। अब सतीश को पता चल गया तो मुरली तक बात पहुंचनी थी। क्या हुआ? इस सब के चक्कर में पढ़ाई से ध्यान मत हटाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? मुझसे कुछ कहना चाहते हो? डर लग रहा है? तो अब मैं चलूं? जानू यहाँ आओ। सुन, यमुना के तट वाला गाना सुनाने बोल। जानू, यमुना के तट वाला गाना सुनाओ ना, इसको सुनना है। मैं हूँ नन्ही एक कली जैसी, मैं हूँ कमल, मैं हूँ शहद का प्याला, सुरीला तराना, मैं हूँ नन्ही एक परी जैसी। मैंने कहा था ना, जान मुझकर ऐसा कर रही है। उसने तो तुझे यमुना तट वाला गाना गाने को कहा था ना। दीदी, उसने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया और वो चाहता कि आप उसका वाला गाना गाओ। पता नहीं ऐसा क्या है उस गाने में, कितनी बार बोल चुका है वो तुझे, क्या बिगड़ जाएगा तेरा, गा देना। जानो, एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट है, यमुना के तट वाला गाना सुना दो ना प्लीज। मिस्टर खबरी जी, जाइए जाकर मेरे फैन से कहिए कि ऑल इंडिया रेडियो पर भी गाने फैन के रिक्वेस्ट पर सुनाए जाते हैं, ठीक है? बोली, बात हो गई। अब देख मजा आएगा। होठों की बात कोई जान ले, ये मुस्कुराहट पहचान ले, होठों की बात कोई जान ले, ये मुस्कुराहट पहचान ले, दिल में हो तुम जाना ना, कहना मेरा तुम समझो ना। उसके बाद मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, पर उसने कभी वो गाना नहीं सुनाया। बहुत जिद्दी है वो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, ये लो चॉकलेट। मंदिर जाके आई? हाँ, सुबह ही जाकर आई। तुम्हारा भाई कहाँ है? सुन, ये ड्रेस महाराजा स्टोर से ली? नहीं, प्रधान स्टोर से, पापा की पसंद है। हाँ, पीछे देख। लो चॉकलेट लो। एक और लो। नहीं, बस। बैल की तरह बढ़ते जा रहे हो तो एक चॉकलेट कैसे बस है? लो और लो। छोड़ना मत इसे, वरना मारेगा मुझे। थैंक यू। बस थैंक यू। पता है आज क्या है? मुझे विश भी नहीं करोगे? हैप्पी 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 दिवाली ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। इतना पसीना क्यों आ रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? छोड़ो। अरे,
मेरा भाई स्पोर्ट्समैन है, इसलिए पसीना आ रहा है ना भाई? क्या हुआ? तेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या हुआ? तू हाथ रख के देख। अरे अरे भाई क्या हुआ? पकड़ो इसे, पकड़ो। क्या हुआ? जा जल्दी वहां से पानी लेकर आ। अरे भाई चंद्र, सुबह को समझ नहीं आया कि जानू के छूते ही मैं बेहोश क्यों हो गया। शर्म नहीं आती तुझे? एक नंबर का गधा है तू। जानू भी समझ ना सकी कि उसने क्या कर दिया था मुझ जैसे पागल दीवाने के साथ जो उसे इतना प्यार करता है। पर 10th क्लास के रामचंद्रन को बेहोशी की हालत में कोई उलझन नहीं थी। स्केल से खींची गई सीधी लकीर की तरह मेरा सारा ध्यान जानू पर ही था। अगर मेरी शादी जानू से होती तो पता है उसका नाम क्या होता? जानकी रामचंद्रन। जानू। अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ये ले, तू ही खा। चलो बाहर, चीटिंग करोगे? नहीं मैम, नहीं, हाँ? नहीं, अभी मेरी क्लास में चीटिंग करोगे? सॉरी मैम। निकलो बाहर। मिस्टर रामचंद्रन, कल अपनी छुट्टी हो रही है, अब मुझे देखे बिना 2 महीने तू कैसे रह पाएगा यार? ए जानू जल्दी चल। हे सुबह, अभी भी इसे नाम से बुला रही है, अब तो तेरा हक बनता है, इसे भाभी कह के बुलाना। वो मैं खुद सोच लूंगी, तू जाके साइकिल लेकर आ, जल्दी आना। अब मुझे जाना होगा। मुझे भूल मत जाना। हैप्पी हॉलीडेज।
तुम्हें कैसे पता कि वो आएगी? पिछले एक हफ्ते से मैसेज और फोन कर रहा हूँ उसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रही। मैंने भी गुस्से में आकर फोन करना बंद कर दिया। तो फिर? फिर अचानक सुबह मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ। कम से कम मुझे तो बता देते। ऐसा नहीं कि मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, वो सीधा सिंगापुर से यहाँ आ रही है, तो सोचा आएगी तब बताऊंगा। जरा उसे देखो, आज भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पहले था। फर्क इतना है कि यूनिफॉर्म नहीं पहना है। अच्छा, हाथ तोड़ दूंगा। शरीफ है ना? हे जानू आ गई। अरे जानू, बहुत दिनों बाद। ये लो, सबके साथ शेयर करना, ओके? हाँ, से थैंक यू। अरे शुभा भी आई है, चलो उससे मिलते हैं। कैसे हो? सॉरी थोड़ी देर हो गई। पर शुक्र है तुम आ तो गई हो, इतना ही काफी है। आ जाओ। आ गई, अब तो खुश। थैंक यू। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कौन सा महीना चल रहा है? सातवां। वाह, देखो दूसरी बार की तैयारी है। सोचा नहीं था इतने लोग आएंगे, तुम्हारी करामत है ना? हाँ ठीक है यार। अरे पूछो मत, यकीन तो मुझे भी नहीं था। मैंने सोचा सब हाँ कहेंगे और आएगा कोई नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा खाना मंगवा लिया था, और देखो सभी आ गए। और जब से ये आया है आइसक्रीम ही खाता जा रहा है, पूछो इसे जरा कितनी खाई है इसने। जाओ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। ए गधे, अबे ओए, तू क्या छोटा बच्चा है, गुब्बारा लेके खड़ा है? चल आजा। तू जा। चलना। तू जाना। जानू आ चुकी है, चलना। तू जा। अबे कहाँ ना तू जा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये कोई स्कूल के दिन नहीं है। जा रहा है क्या? और दूँ एक। जा। ज़्यादा हाथ में चला। अब जाना। पिछली गर्मियों में मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ सिंगापुर में थी। अच्छा। अगर मुझे पता होता कि तुम वहाँ हो तो पक्का मिलती। अपनी बेटी की फोटो दिखाओ। ए, कहाँ है वो? मैंने बुलाया तो मार रहा है मुझे, तुम ही जाके बुलाओ। तुम भी ना। क्या हुआ? वो राम भी आया हुआ है, वो वहां छुपा हुआ है। बाकी सब कहाँ पर हैं? तू तो मेरी तरफ देखी नहीं रही। सारी सारी मैं कहाँ कहाँ गई, पता नहीं नए क्लास में कौन सी टीचर है। बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग।
आसेन तंबी प्रेजेंट मिस सिल्वम प्रेजेंट मिस अनुराधा प्रेजेंट मिस अरविंदन प्रेजेंट मिस अरुण कुमार प्रेजेंट मिस भवानी प्रेजेंट मिस बालमुर्गन प्रेजेंट मिस देवनाथन प्रेजेंट मिस जानकी देवी प्रेजेंट मिस जय गणेश प्रेजेंट मिस सर्पस्वामी प्रेजेंट मिस मुरली प्रेजेंट मिस नंदिनी प्रेजेंट मिस प्रियदर्शनी प्रेजेंट मिस राजमोहन प्रेजेंट मिस राजेश कनन प्रेजेंट मिस सतीश मिस सेल्वम प्रेजेंट मिस राम सुंदर प्रेजेंट मिस सौम्या प्रेजेंट मिस सुभाषिनी प्रेजेंट मिस उदय शंकर मिस आपने केराम चंद्रन का नाम नहीं पुकारा रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा है हो सकता है वो किसी और क्लास में हो रिसेस में चेक कर लेना हमारे क्लास में नहीं है मुझे लगा तुम्हारी क्लास में है के रामचंद्रन उसने तो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया तुम्हें पता नहीं है कैसे दोस्त हो उसने ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों लिया होगा ए तू भाई भाई बोलती है ना तुझे नहीं मालूम किधर गया वो मुझे सच में कुछ नहीं पता मैं तो आज सुबह ही कुंभकोणम से वापस आई हूँ बिना किसी को बताए चला गया कुछ समझ नहीं आ रहा ए घबराओ मत आज शाम को उसके घर चलते हैं सब पता चल जाएगा बच्चों क्या कर रहे हो वो घर बंद है राम कौन कृष्णमूर्ति अंकल घर में कोई नहीं है क्या वो कृष्णमूर्ति ना वो तो चले गए कब के उसके पापा के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था वो वापस नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना घर बेचकर कर्जा चुका दिया ये घर उसके दादाजी का था और वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने रातों रात सामान बांधा और चेन्नई चले गए और किसी को कुछ नहीं मालूम और ये सारी बातें उसे और उसकी मम्मी को उसी रात पता चली Thank you.
राम। हाय। पहचाना मुझे? जानू। कैसे हो तुम राम? हाँ अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? सपना सा लग रहा है ना कि हम यहाँ इस तरह मिल रहे हैं। 20 साल हो गए। अब नहीं, असल में 22 साल। अब तुम तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहे। जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुम्हारी मुझे नहीं थी। अब क्या कर रहे हो तुम? ट्रैवल फोटोग्राफर। मैं ठीक हूँ। तू चुप कर। ए, बस 5 मिनट के लिए तुम्हारे साथ था, ऐसा क्या कह दिया इसे? थैंक्स। बैठो। तुझे और कुछ चाहिए? बैठो ना। पहले पानी पियो। हाँ पीता हूँ। तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ। इतने सालों बाद मिली है तुझे और तू बेहोश हो गया? कुछ नहीं, वो फिसल कर गिर गया। जानू, इसने तुमसे बात भी किया, बस देखता ही रह गया। सॉरी। ये इतनी दूर सिंगापुर से यहाँ आई है, हालचाल पूछेगा कि नहीं? ये बचपना छोड़, इसकी शादी हो चुकी है, एक बेटी है। कुछ पूछा इसके बारे में? बेवकूफ कहीं का। खाना खा लिया तुम सबने? नहीं, तुमने खाया? नहीं, मैं वो फ्लाइट में कुछ खाती नहीं हूँ। ओह अच्छा। ओ पागल, जा उस पेड़ को छू करा, जा। क्यों? ठीक है ठीक है। हेलो, कहाँ से? दुबई से। अगर जल्दी आए तो तुम्हारी खैर नहीं। सारे पेड़ छू के आऊंगा। ए, ये सब क्या है? ये सही नहीं है, मैं कह रही हूँ। प्यारी भाभी, मेरे लिए ये रिश्वत थी या फिर कुछ और? मेरी प्यारी ननन, अब आप उठिए और उस पेड़ को छूकर वापस आइए। जाइए जल्दी। आ? जाइए। थैंक यू। तुम नहीं खाओगे? नहीं, तुम खाओ। फोन। हाँ जी बोलिए सर। अरे ये क्या है, ये कुछ बात भी करेंगे या नहीं? जी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लग रहा है जहाँ छोड़ा था वहीं पहुँच गए हैं, वापस स्कूल में। बिल्कुल सर, मुझे भी यही लग रहा है। बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमने जो सोचा था ये तो उसका उल्टा हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, डोंट वरी। तुमने कुछ खाया नहीं ना? ये लो, खत्म करो इसे। थैंक्स।
वहां क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं ये नहीं सोच रहा हूं। तो अगर इनके बीच यहाँ कुछ शुरू हो गया और वहां सिंगापुर में इसके हस्बैंड को पता चल गया और इसके पीछे हम दोनों का हाथ है और अगर हम पकड़े गए तो समझो हमारी मन गई दिवाली, पोंगल, रमजान, गांधी जयंती। चुप भी करो ना, कुछ भी बोलते हो। आप सभी यहाँ आए बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं आए उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जिंदगी का एक बहुत अच्छा पल खो दिया आप लोगों ने। अब पता नहीं ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, ऑल सेंट स्कूल के 96 बैच की तरफ से मैं अपनी क्लास की सबसे चहीती जानू को बुलाना चाहूंगा। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने बारे में कुछ कहें। हमारी जानू, हमारी शेरनी, सिंगापुर की राजकुमारी, तंजावुर की हमारी शान, हम तुम्हारे गाने पर कुर्बान। तुम जब बोलती हो तो भी कविता लगती है जानू, जी भर के बोलो। बैठ जा। I'm so happy. मैं फिर से बचपन में पहुंच गई। जैसा सोचा था वैसा तो यहां कुछ भी नहीं दिखा, पर बदला भी कुछ नहीं। लग रहा है मैं अपनी ब्लू एंड व्हाइट यूनिफॉर्म पहनकर तुम सबके साथ फिर से स्कूल जा रही हूं। थैंक्स। ए जानू, एक गाना सुनाओ ना। मैंने अभी आइसक्रीम खाई है। अरे गाओ ना, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है। ए मुरली 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 मुरली। हाँ मुरली, यमुना यमुना तट वाला गाना बोलो ना। अब कैसे कहूँ यार, प्लीज प्लीज बोलो ना उसे यमुना तट वाला गाना प्लीज। हाँ कोई कहे ना कहे, भूलो में अभी महक है, बिन रिश्तों की दो दिल कैसे धड़क रहे। कोई कहे ना कहे, पंछी गाए तो रस टपके, कोई कहे ना कहे मन में वही उमंग है। नदियों झरनों जैसी जिंदगी धीरे धीरे बहती, बात के पहले जैसी जीवन की गति चलती, एक सा नहीं रहता वो हम सब का चंचल मन। अरे टिश्यू देना, ये लो। अच्छा है। ओके रेडी। हाँ मैंने भी देखे थे। ए यहाँ देखो ना। ए सुनना, तुझे वहाँ वॉचमैन चाचा मिला था? सिंगापुर में रहती हो ना, दोबारा कब? पता नहीं कब आना होगा। तुम गई हो क्या वहाँ? नहीं मैं कभी नहीं गई। अब ये है ना, मुझे भी नहीं पता। तुमने नहीं गई? और वो एकदम अचानक से दरवाजा खोल के अंदर आ गया। हमने पूछा ये क्या है? I like your hair. I like yours too. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. और तुम लोगों को पता है इस जगह की परमिशन कितनी मुश्किल से मिली है? और यहाँ के जो बल्ब है ना बहुत महंगे हैं। चाइना के बल्ब है वो वही मिलते हैं पता है? और केटरर्स जो है वो
सिर में बहुत दर्द हो रहा है, रास्ते में कॉफी पीते हैं कहीं। चलो भाई गाड़ी आ गई, चलो चलो लेट्स गो। कितने दिन और रुकोगी? रुकूंगी नहीं, कल सुबह की ही फ्लाइट है। इतनी भी क्या जल्दी है? लास्ट मिनट बुकिंग पर मुझे टिकट ही नहीं मिली थी, बस यही एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी और वो भी त्रिची से है। कम से कम 4-5 दिन तो रुक जाती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर रुक ही जाओ ना, बेटी घर पर अकेली है, मेरे बिना नहीं रहती। आओ, बेटी का नाम क्या है? मीरा। ये देखो, मुझे दिखाओ, बहुत प्यारी है। दिखाओ ना। लो। ये सिंगापुर की फोटो है ना, काश मरने से पहले मैं भी दुनिया घूम लूं। लो। हे जानू, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को घूर रहा है। मैं स्कूल के टाइम पे ऐसे ही दिखती थी ना। हाँ। सभी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए कह रही हूँ भाई, सही वक्त पर शादी कर लेते तो तुम्हारे भी बच्चे होते। इसने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। एक घुमक्कड़ से अपनी बेटी की शादी कौन करवाएगा? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो बस क्योंकि पापा लड़की ढूंढ रहे हैं। ए राम, तो जाके गाड़ी निकाल। हाँ। हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तुम कॉफी खत्म करो, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। ओए, कॉफी पी ली ना? हाँ। सरदर्द ठीक हो गया ना? हाँ। चलो निकलते हैं, बहुत देर हो गई। ला दो मुझे। चलो। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है उसे? सुनो ना, तुम लोग उसके साथ मैंने सब गड़बड़ कर दी ना। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शादी के बारे में पूछते ही सब एक एक करके यहाँ से चले गए। तुम उसके साथ हमेशा रहते हो ना? उसके पापा। क्या पापा? सतीश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ उसने शादी क्यों नहीं की? सुनो, तुम उसके साथ जा रही हो ना, पहले उसे ड्रॉप करना, बाद में तुम घर जाना। बताओ ना मुझे। ज्यादा सोचो मत, जा। अरे किधर जा रहा है? हमें पहले जानू को ड्रॉप करना था ना। नहीं, मैं पहले तुझे ड्रॉप करूंगा। पर ये रास्ता लंबा पड़ेगा। किसने कहा? बल्कि ये शॉर्टकट है। हाँ, वैसे किसने कहा कि ये शॉर्टकट है? बहुत घूम के जाना पड़ेगा। क्या बकवास है। अब क्या मैं गूगल मैप पे चेक करके बताऊँ? कोई जरूरत नहीं है, ये रास्ता तो मैप पर होगा ही नहीं। ए, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मजाक समझ रही हो? मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे? आराम से। ओके, बाय। मेरी बात ध्यान से सुन, उसे होटल छोड़कर जल्दी घर जाना, समझा? क्या उल्टा सीधा सोच रही है? तू तो मुझे जानती है ना, इसी बहाने कुछ बात हो जाएगी। हाँ? अब जाओ। ये क्या अपने दांत दिखाकर हंस रहा है? बाय, सी यू। ध्यान रखना। पैदा होते ही फोटो भेजूंगा। हाँ, जरूर भेजना। ओके, कीप इन टच। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। ए? क्या? तू नहीं सुधरेगा। ए? जानू। क्यों? जब शुभा नहीं होगी तभी मुझसे बात करोगे, है ना? राम। हाँ? तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या जल्दी है, कर लूंगा कभी भी। राम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बताओ शादी क्यों नहीं की? क्या करूं, कोई लड़की नहीं मिली। प्लीज बता दो ना राम, मुझे जानना है, भले ही मेरी वजह से ना की हो पर फिर भी मुझे बता दो प्लीज, क्यों शादी नहीं की? ए, 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 ए। राम, बताओगी या नहीं?
जानू होटल आ गया। राम तुम मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आए थे? नहीं नहीं, सुबह ने कहा था कि मैं तुम्हें मुझसे बात करना जरूरी नहीं लगता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कल सुबह तुम्हें एयरपोर्ट के लिए पिक करने आऊंगा, मेरा नंबर ले लो। जानू मैं जानबूझकर चले गए क्या? हाँ बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कहाँ हो तुम? जानू बहुत दूर पहुंच गए क्या? दूर चले गए हो क्या राम? मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। कर सकती क्या? सॉरी। 22 साल। थैंक्स। जानू अब बताओ कहां जाना चाहती हो? सुबह सुबह सुबह। हाँ सुबह। कहाँ है तू? गिंडी के पास। उसे होटल छोड़ दिया ना? हाँ छोड़ दिया, मैं रास्ते में ही हूँ। कुछ कहा उसने? नहीं तो माँ बाबा के बारे में पूछ रही थी। हम होटल पहुँचे, मैंने उसे ड्रॉप किया और आ गया। ओके। हाँ ठीक है, अब ज्यादा सोचना मत और सो जाना। हाँ ओके, मैं सुबह फोन करूंगी। ओके। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपने रूम में हूँ। अच्छा, कल सुबह कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? 5:50 AM। तुम यहाँ से त्रिची जाओगी? हाँ, यहाँ से त्रिची और फिर सिंगापुर। ठीक है, पहुँच कर फोन जरूर करना, कम से कम मैसेज तो करना। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, बाय। अब बोलो कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी ले चलो। मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ले चलना है, कहीं भी ले चलो। वो तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया था, अब तुम्हें बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। हा? चलो सैलून चलते हैं। सैलून? जब तुम नेबास्का मार्केट के अंदर जाओगे ना, वहां से राइट ले लेना, फिर आगे दो रास्ते निकलते हैं, तो एक रास्ता लेफ्ट को मुड़ता है,
अरे क्या बार बार बीच में बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई कैसे देगा? वहां से राइट लेने के बाद सेकंड राइट लेना, आगे एक बैंक का बोर्ड दिखेगा, उसी सड़क पर आगे जाके तीसरा घर है। जब बेल बजाएगा एक मोटी सी औरत बाहर दरवाजा खोलने आएगी, वही मालकिन है। ओके पानी, अच्छा हाँ लाल रंग का होगा, नेपास्का में ऐसा ही होता है। हाँ अगर तुम्हें बिल्कुल साफ पानी चाहिए तो जाकर के नगर में रहो। दाढ़ी कहीं और बनवाई थी? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जरूरी काम है। हाँ, हाँ। इन्हें पहले से जानता हूँ, अब ऐसे बोलेगा तू? ये बोल कि जब मुझे दाढ़ी नहीं थी तब से जानता हूँ। इसके बाबा इसे बचपन में यहाँ लाते थे बाल छोटे करवाने के लिए, और ये कहता था बड़े रखो। जब ये मद्रास में नए नए आए थे, जब भी ये तंजावुर की बस देखता यहाँ आकर मुंह लटका कर बैठ जाता। चाचा पागल, कैसी बनानी है इसकी दाढ़ी? मतलब रजनी जैसी, कमल जैसी, अजीत जैसी, विजय जैसी, सूर्य जैसी, किसके जैसी? अंकल टेंथ क्लास के बच्चे जैसे बना दीजिए ना। अरे मर गया। कौन सा साल? 94। ओहो 94 की तरह। सच में दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। यहाँ कहाँ आ रही हो? बालू बना है, थोड़ा वक्त लगेगा, वहां बैठो और देखो मजा। ओके। हाँ तुम वहां बैठ जाओ। तो इधर देख। हाँ। आधा वजन कम हो गया तेरा। ओके है, डबल ओके। चलो बैठो, तुम्हारी चोटी बना देता। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है अब निकलो, मुझे दुकान बंद करनी। तुम चलो मैं आता हूँ। ये पकड़ो, उसके सामने क्या बोल रहे थे? ओए, मैं बहुत समझदार हूँ, सब समझ में आता है मुझे। क्या समझा आपने? मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? शर्ट उतारो। अंदर टी शर्ट पहनी है ना, स्लीव्स तो होगी। चलो उतारो। नहीं नहीं। अरे उतारो ना। अब देखो खुद को, इतनी लंबी दाढ़ी और ये शर्ट। वर्जिन? क्या तुम वर्जिन हो? ये क्या पूछ रही हो तुम? ऐसे कोई बोलता है क्या? ये सच है ना? ए, सिंगापुर जाके बिगड़ गई हो तुम। चलो अब कोई बात नहीं। हा? पहले मेरी बात का जवाब दो। बहुत देर हो गई, पहले चलो यहाँ से। बताते हो या नहीं? मेरी टी शर्ट फट जाएगी, छोड़ो छोड़ो। पहले जवाब दो, मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगे? क्या जानना है तुम्हें बताओ तो। हे हे हे, जो भी पूछना है गाड़ी में पूछ लेना।
प्लीज जानो। चलो चलो यहां खड़े हो जाओ। अब बताओ मुझे। ठीक है बताता हूं मैं। गॉड प्रॉमिस की सच बोलोगे? जानो इन बातों के लिए कसम क्या खाना। झूठे, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। यहाँ तक आते आते जरूर कोई कहानी बनाई होगी। जानो तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे। हाँ मैं वर्जिन हूँ जानू। अरे बाप रे, तुमने जबरदस्ती की इसीलिए बताया, अब इस बात को यहीं छोड़ दो। पर क्यों? क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, अब गाड़ी में बैठो। पर कैसे? क्यों, क्या कैसे? ओ तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है गधे। पता है क्या उम्र है तुम्हारी? बस अब ये टॉपिक छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है ये सब छोड़ो, इतने सालों में तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, जानती थी मैं, अब आ रहा है सच सामने। क्या? लड़कियों को तुम जैसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, तुम कैसे बच गए? मेरे जैसे लड़के? हाँ। क्या मतलब मेरे जैसे लड़के? मतलब तुम बहुत अलग लड़के हो। क्यों, किसी ने बताया नहीं तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये हंसना छोड़ो और पूरी बात बताओ। चारू नाम की एक लड़की थी। फुल नेम? चारूमती। हाँ। वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी। वो लड़की खूबसूरत थी लेकिन उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मुझे फोन किया, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उसे कांग्रेचुलेशंस कहा और वो गुस्सा हो गई। उसने मुझसे सीधा पूछ लिया कि तुम उससे शादी करोगे या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? मेरे लिए तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। पर तुमने क्या कहा? क्या कहना चाहिए था मुझे? मैंने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, पर उसने जिद पकड़ ली। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने उसे सच बता दिया। कौन सा सच? तुम्हारे बारे में। वो कुछ देर के लिए चुप रही, गहरी सांस ली और वो चली गई। 3 महीने बाद उसने शादी का कार्ड भेजा और उसने मुझे फोन किया, कहा कि पुरानी बातें भूलकर शादी पर जरूर आना, कहा कि वो मेरा इंतजार करेगी, मुझे आना ही होगा। तुम गए थे? उसने भले ही जो भी कहा पर वो बेचारी मुझे चाहती थी, मैं नहीं चाहता था कि उसे अजीब लगे, तो नहीं गया। उस वक्त तुम बिना बताए क्यों चले गए? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई और तुम्हें भूल भी नहीं सकी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, 12th भी जैसे तैसे पास किया था। डर था कि पेरेंट्स शादी कर देंगे, इसलिए डिग्री तो हासिल कर ली। तब से जब भी स्कूल फ्रेंड्स मिलते सोचती शायद तुम्हारे बारे में कोई बात करेगा। जब भी कोई लंबा या तुम जैसा लड़का दिखता, लगता था कि तुम हो। कितनी बार उनका पीछा किया पर सब बेकार। इस दौरान मेरी बहन ने भागकर शादी कर ली। उसके 2 महीने बाद घर वालों ने मेरी शादी भी तय कर दी। बहन की वजह से पापा हमेशा गुस्से में रहते थे, इसलिए उनसे कुछ बता नहीं पाई। और अगर बताती भी तो क्या कहती? कि मैं 10th में एक लड़के से प्यार करती थी, पर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर है। यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन भी मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा पर
मैं जब दुल्हन बनकर बैठी थी तब लग रहा था कि तुम मंडप में ही कहीं हो, लगा जैसे सिनेमा में होता है तुम यहाँ आओगे और मेरी शादी रोक दोगे, कहोगे जानू चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरा दिल भी पूरी तरह टूट गया। उसके बाद जब भी मैं दुखी होती और उस वक्त मुझे कोई हंसाता तो वो चेहरा था सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के रामचंद्र का चेहरा। क्या हुआ सर? देर हो गई है, गेट बंद करना है। कार बाहर जाएगी तो गेट बंद होगा। बैठो। सॉरी राम, ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, सोचा था जब मिलोगे तब बताऊंगी। किसी और से तो ये बातें नहीं कर सकती ना, तुमसे ही कह सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती थी, ओके? राम? नहीं, नहीं। मैं तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमसे मिलना चाहता था। मेरा मैसेज मिला था ना? तुम कब आए थे? झूठ मत बोलो राम। मैं आया था जानू। देखो मजाक मत करो, तुम सच में आए थे? एक मिनट। हाँ बोलना। प्लीज क्या आप BSc कंप्यूटर साइंस से जानकी देवी को बुलाएंगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्यार का चक्कर है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन, वो इसकी स्कूल फ्रेंड है पर बहुत दिन से मिले नहीं है। लेडीज कॉलेज है ना, वरना हम खुद चले जाते। हम चेन्नई से आए हैं, बस उतना बता दो। तो इस बात के लिए तुम इतनी दूर से आए हो? हाँ बहन, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मुझे तुम लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं मदद करूंगी, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा बहन। हम लोग उसको मिलके एक बार बात करना चाहते हैं, प्लीज। उसका नाम क्या बताया? एस जानकी। एक मिनट। तुम जानती हो उसे? नहीं। पेन प्लीज। सुन, उसके पापा का नाम भी लिख दे साथ में, अगर वो अलग जानकी हुई तो। अच्छा तू जा। तुमने नाम क्या बताया अपना? के रामचंद्रन। हाँ। ए, कहाँ जा रही है? नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों, तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो, प्रिंसिपल से कह दूंगी कि तुम्हें TC दे दे। सुनो, अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा।
उसने तुम्हें वहां से देखा और मुझ पर चिल्लाने लग गई। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अगर तुम उससे खुद ही बात करते तो बात कुछ और होती। क्या तुम मेरा एक और काम करोगी प्लीज? उसे कह देना कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। चल। ए, इतनी भी क्या जल्दी है, उसे बाहर तो आने दे, फिर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया, हम आइंदे से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चल। ए, हम इतनी दूर से इसलिए आए थे। सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वासंती। थैंक यू वासंती, बैठ। रूम कौन सा है? 318 सर, थर्ड फ्लोर। हाँ। जानू? अंदर मत आना। नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं बेडरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। राम। जानू? जानू तुम ठीक हो ना? जानू? मैंने देखा ही नहीं। ए, 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 जानू, ए, नहीं, 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 ऐसा मत कर, नहीं, रुको, रुको, रुको। कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। जानू, 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 जानू। कहीं नहीं, नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों, तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना, तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। हमारा साथ लिखा ही नहीं था तो क्यों? तुम मेरी वजह से इस हालत में? पहली बात तो मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे नफरत करोगे? मुझे वहीं तुम्हारा इंतजार करना था। मैं क्यों गया? अगर उस लड़की को तुम्हारा नाम याद होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी ही किस्मत खराब है। हमें सच का पता नहीं चलना चाहिए था। काश वही सच होता जो हम समझते आए हैं। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहे, और उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे ये जानकर इस दर्द से कुछ तो राहत मिली।
तुमने तब मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और 3 साल बाद अचानक आकर कहा, ऐसा क्यों? असल में मैं हर दिन सोचता था, पर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता कि मेरा रंग जानू की तरह गोरा नहीं है, मैं जानू की तरह गा नहीं सकता। बस यही सब सोचता रहता था। उस दिन लगा कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें नहीं बताया। पता नहीं मुझमें हिम्मत कहां से आ गई, बाइक उठाई और सीधा तुमसे मिलने कॉलेज पहुंच गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ? ये कैसा सवाल हुआ? बस पता था मुझे। पर कैसे, तुम तो चेन्नई चले गए थे ना? कुछ लोग थे जिनसे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता था। तुम्हें देखने तंजावुर चला आता, कॉलेज से घर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाता, तुम पीछे देखती तो छुप जाता। तुम्हें देखने पर मुझे बहुत खुशी मिलती। बस मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम मुझे नहीं किसी और को देखकर गुस्सा हुई थी। इसके अलावा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। क्या पता था, चलो बताओ मुझे। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो? तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स थे 836, 12th के थे 990। तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस मेरे बर्थडे पर पहनी थी। मेरे जाने के बाद तुमने गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थी पर तुम्हारे पापा ने तुमसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करवाया, इस वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मतलब ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता थी पर मुझे थी। सॉरी। 1998 में तुम्हें टाइफॉइड और 2000 में जॉन्डिस हुआ था, और ये दोनों एग्जाम्स के वक्त हुए थे। याद है जब तुम कॉलेज में थे तो एक घुंघराले बाल वाला तुम्हें बहुत परेशान करता था, और उसे किसी ने बहुत मारा था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, बाद में पुलिस केस भी बन गया था। जानती हो उसे किसने मारा था? मैंने ही मारा था। हाँ। पता है उस वक्त मेरे अलावा 3 और लड़के तुमसे प्यार करते थे, और तुमने अपने कॉलेज एनुअल डे पर पहली बार साड़ी पहनी थी, डार्क ब्लू कलर की। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारी साड़ी खुल न जाए, और साथ ही तुम शर्मा रही थी क्योंकि सब तुम्हें देख रहे थे। पता है तुम कैसे दिख रही थी? हाँ? एक बार फिर से करो। उसके बाद मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारी शादी में देखा था। पर्पल रंग की साड़ी थी। जैसा तुमने महसूस किया था मैं तुम्हारी शादी में आया था। मैं वही भीड़ में कोने में खड़ा था। बस मैं अपने आप को फेरों तक नहीं रोक पाया। मैं वहां से भाग गया, उस वेडिंग हॉल और उस शोर शराबे से दूर। हेलो सर, सॉरी सर लेट। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहां रख दो। क्या मैं इसे सर्व कर दूं? नहीं नहीं मैं कर लूंगा। ओके सर, थैंक्स। अच्छा जानू अब मैं चलता हूँ, कॉफी पीकर तुम सो जाना, सुबह मैं लेने आऊंगा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। ओके रुको। हा? तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठो।
नहीं नहीं, जो भी कहना है वहीं से कह दो। कहाँ ना बैठो बेवकूफ। बाईस साल के बाद इस बेवकूफ का चेहरा देख रही हूं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इसके लिए मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना होगा। वो तो मैं कल कर दूंगी, आज रात मुझे सोने के लिए मत कहना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, बस। ओके, क्या हुआ? अरे बाप रे, अब क्या होगा? क्या हुआ? मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है तो उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया ना, जरा देखो यहां तो नहीं देख रहे? देख तो नहीं रहे पर जा रहे हैं, यहां से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे हाँ, मैं वॉशरूम में छुप जाता हूँ, वो चले गए कि फोन कर देना प्लीज। थैंक्स। सर ये किचन है। वॉशरूम? वॉशरूम वहाँ है सर। हाय सर। हाय सर, ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई, एकदम यंग लड़के लग रहे हैं। इस वक्त क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? सर अभी का बर्थडे है, 12 बजे केक कट करना है। हैप्पी बर्थडे। पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना। इतनी रात को घूम रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं? अकेले इतनी रात को आ गए, अब जाओ आराम करो घर पर। सर वो आपकी वाइफ है ना? हाय मैम। हाय, हम राम सर के स्टूडेंट्स हैं। हेलो मैम। पता है मुझे, अभी अभी बताया इन्होंने। ओह ओके, एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि सर मैरिड हैं, सर ने कभी बताया ही नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। ऐसी बात नहीं है, दरअसल लव मैरिज किया है ना, इसलिए किसी से कहा नहीं। लव मैरिज? तो क्या हुआ? हम यकीन नहीं कर पा रहे कि सर मैरिड हैं और आप बात कर रही हैं लव मैरिज की। ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या है ना, क्लास में ये बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ तक कि हंस भी नहीं सकते। ए, बस बहुत हो गया, हम बाद में बात करेंगे, चलो जाओ सब लोग, जाओ जाओ जाओ। डांट क्यों रहे हो? देर हो रही है जानो। तुम लोग सब आओ बैठो यहाँ। देखिए ना मैम, आपके सामने भी इन्हें मैं देख लूंगी, तुम बताओ। तो कहा थी मैं? हंसने नहीं देते। हाँ, हंसने नहीं देते, स्लीवलेस नहीं पहनने देते, इनसे बेहतर तो मेरे पापा हैं। कोई बात नहीं, ये ऐसे ही हैं, मैं इन्हें समझाऊंगी कि लड़कियों से अच्छे से पेश आए, ठीक है? ठीक है। वो ठीक है मैम, पर सर को प्यार कैसे हुआ? हमारा प्यार स्कूल डेज से है, जब हम 10th में थे। स्कूल डेज से? मैम पहले प्रपोज किसने किया? सर शर्मा रहे हैं आप। मैम अच्छा, आपने हाँ कब की थी? उसी दिन उसी पल अचानक। ये क्या मैम, आप इतनी सुंदर हैं, एक हफ्ता तो घुमाती, वैसे एक महीने तक तो इंतजार करवाना चाहिए था। उस वक्त मेरे लिए यही सब कुछ थे, बल्कि अब भी। मैम प्लीज मैम, हमें बताइए ना सर ने आपको प्रपोज कैसे किया, फिर हम कुछ नहीं पूछेंगे, हम चले जाएंगे। बर्थडे विश प्लीज। 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से बीता, मैं बहुत खुश थी।
उसके बाद राम अचानक से चेन्नई चले गए बिना कुछ बताए। सारी हंसी आंसुओं में बदल गई। कॉलेज में जाने के बाद भी मैं राम को नहीं भूल पाई। बहुत दुख होता था पर मेरा दिल मुझसे हमेशा कहता रहा मेरा राम जरूर आएगा, वो मेरे लिए आएगा। दरअसल कभी कभी आपके आसपास कुछ नहीं होता फिर भी आपका दिल कहता है कि जरूर कुछ होने वाला है। उस दिन मैंने यही महसूस किया था। एक्सक्यूज मी एक मिनट, सेकेंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस से एस जानकी देवी को बुला सकते हैं आप प्लीज? प्यार का चक्कर है? हाँ। पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? आपका नाम क्या है? वासंती। वासंती आप डरिए मत, आप सिर्फ सेकेंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस के एस जानकी देवी से ये कहिए कि के रामाचंद्रन उसे मिलने आया है। वासंती थैंक्स। एस जानकी देवी, कोई के रामचंद्र नाम का लड़का तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। फिर वही हुआ जो इतने सालों से मैं सोच रही थी कि ये पल कब आएगा। मेरा राम मेरे लिए आया था। एक सेकंड में मेरी दुनिया बदल गई। जैसे ही मैंने के रामचंद्र का नाम सुना मैं एकदम सुन्ना हो गई। मेरे पैर जकड़ गए थे पर मैं भागने लगी। तीन सालों के बाद देख रही थी। अब वो स्कूल वाला चेहरा नहीं था, दाढ़ी मूछों वाला एक शेर गेट पर खड़ा हुआ था मेरे लिए, जानो के लिए। मेरे पास ढेरों सवाल थे जो मैंने सोचा था उससे मिलते ही तुरंत पूछूंगी पर जानो। चलो बहुत कहानियां सुन ले, अब जाओ देर हो रही है। चलो चलो। ए, यहां आओ। तुम घर पर 10 बजे केक नहीं काट सकती थी, यहां 12 बजे केक काटना जरूरी था। जाओ और घर पहुंचकर मैसेज कर देना। जाओ। आप दोनों की जोड़ी सुपर है सर। जाओगी अब? बहुत ज्यादा बोलती है। ए, तुम्हें क्या अलग से समझाना पड़ेगा? चलो जाओ। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अब जाओ। अब कहाँ चले? अगर गलत ना समझो तो कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है? तुम्हारा होटल यहाँ से बहुत दूर है तो ओके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलते। तुम बोलो ना। वो तुम्हारा होटल यहाँ से दूर है और मेरा घर पास में।
तुम ऐसा सोच रहे हो राम? नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, सच में इसीलिए पूछने में झिझक रहा था। ठीक है होटल चलते हैं, मैं कैब बुक करता हूँ। सॉरी जानू। एक औरत ने विश्वामित्र को लुभाने की कोशिश की थी, क्या नाम था उसका? मेनका। हाँ और साथ में दो औरतें और थीं, उनका नाम क्या था? रंभा उर्वशी। अगर वो तीनों तुम्हारे साथ हूँ तब भी मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं करोगे, मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए दाढ़ी मुझे कटवाई ताकि तुम सोचो। और अगर नहीं कटवाते तो? तो भी मैं ऐसा ही लगता। अच्छा चलो आप तुम्हारे घर कैसे जाएंगे? आ जाओ। इस तरफ आओ। सुनो। हाँ। पड़ोस में कोई लड़की रहती है? हाँ है ना, पहले दाहिना पैर। तुम भी ना। के रामचंद्रन का घर है ये? हाँ। अरे कोई बात नहीं, चलेगा, रहने दो। घर बहुत सुंदर है। थैंक्स। बाथरूम कहाँ है? सीधे जाओ वहीं बेडरूम के लेफ्ट में, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ। सॉरी। जानो जानो, वो सोप और टॉवेल मैंने यहाँ बाहर रख दिया है। नहीं चाहिए, यहाँ पर है। अरे नहीं नहीं, वो मेरा रह गया था अंदर। तुम्हें क्या सोरियासिस की बीमारी है? छे छे, क्या बोल रही हो? ये सुखा दो प्लीज। हाँ हाँ हाँ। जानू, राम मुझे कुछ कहना है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते, शादी कर लो, तुम्हारी अपनी फैमिली हो, छोटे छोटे बच्चे हो, मैं उनसे प्यार करूं, चाहती हूं उनकी आंखें तुम्हारे जैसी हो या नाक तुम्हारे जैसी हो, ये सब देखकर खुशी होगी। तुम्हारी वाइफ को देखना है, जानना चाहती हूं तुम्हारी जिंदगी में कौन आएगी, मैं उससे कहूंगी, उसे तुम जैसा हीरा कभी नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखे, मैं सच में उसे ये सारी बातें कहूंगी, मैं ऐसा जरूर करूंगी। कुछ खाओगी? ऑर्डर करूं मैं? होटल में भी तुमने कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। मुझे भूख लगी है। अच्छा लगा? माँ के खाने की याद आ गई।
जानू तुम खुश हो ना? कई सालों के बाद। पागल, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लाइफ में तो खुश है ना? ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरी माँ पूछती है। बस लगा तो पूछ लिया, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई थी, सिंगापुर में अकेली पड़ गई थी ना, समझ में नहीं आता था क्या करूं, रोज भगवान के सामने रोती थी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। वैसे कोई परेशानी नहीं है, तुम पूछ रहे हो कि मैं खुश या नहीं, तो मैं अच्छे से जी रही हूं। ओके। अभी मेरा मन कर रहा है कि तुमसे कुछ कहूं, पर कहूंगी नहीं। जानो तुम उठना मत, यहीं रहना, नहीं तो चोट लग जाएगी। यहीं बैठो, मैं बस अभी आया। यमुना के तट पर मिलेंगे मोहन वाते जो तेरा आधा, सखी सहेली छोड़ को पीछे मिलने आई राधा। यमुना के तट पर मिलेंगे मोहन जो तेरा आधा, सखी सहेली छोड़ को पीछे मिलने आई राधा। दिन ढल गया शाम हो गई हो, दिखे न कान्हा व्याकुल हो गई हो। दिन ढल गया शाम हो गई, दिखे न कान्हा व्याकुल हो गई बावरी राधा। ये सब क्या है? यादें। वाह, वही पुरानी खुशबू। तुमने ये सब कब से संभाल के रखा हुआ है? तुम्हारा? मेरा? ये तुम्हारे पास कैसे, कहां से मिला? ये खुद चलकर मेरे पास आया, तो मैंने अपने पास रख लिया। पर कैसे? जब तुम पीटी के लिए गई थी तो अपना दुपट्टा क्लास में ही भूल गई थी, तो जब मैंने देखा उसे तो अपने पास रख लिया। ये देखो, संभल कर, छूना मत, छूना मत, छूना मत। कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। छीन क्यों रहे हो? लव लेटर है? नहीं नहीं। अरे क्या है, कविता है? नहीं। मेरे लिए है? दो ना। नहीं जानू, अगर तुमने पढ़ा तो बहुत हंसोगी, मुझे शर्म आ रही है। अरे अरे, मेरे लिए कौन कविता लिख सकता है, सिर्फ तुम ही तो लिख सकते हो। चलो खुद ही पढ़ के सुना, पढ़ो। तुम लहरों सा लहराता समंदर हो, मेरा दिल तुम्हारी अगली लहर महसूस करता है। मछली की टोकरी या फूलों की दुकान को इश्तेहार की क्या जरूरत, तुम हो इसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर की क्या जरूरत। बिजली की चमक देखकर आंखों की रोशनी चली जाए, बिजली की चमक देखकर आंखों की रोशनी चली जाए, पर तुम्हारी आंखें देखता हूं तो बिजली दिल के पार हो जाए। पर तुम्हारी आंखें देखता हूं तो बिजली दिल के पार हो जाए। तुम उस माँ की हो जिसने तुम्हें 10 महीने कोक में रखा, तो तुम मेरी भी हो क्योंकि मैंने तुम्हें कई सालों से अपने दिल में रखा।
राम। सोई नहीं तुम? ऊपर आ जाओ। ऊपर? नहीं, मैं हमेशा जमीन पर ही सोता हूं। मैंने कहा ना आओ। अपनी ईमेल आईडी, हाइट, वेट वगैरह बताओ मुझे। क्यों? तुम्हारे लिए आज ही लड़की ढूंढेंगे। कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? सुनो, एस जानकी से प्यार करने के बाद मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। हाँ, क्यों नहीं? प्यार तो मुझे भी था के रामचंद्रन से। मैंने एम श्रवण से शादी की ना, सब होता है। चलो बताओ। postbox78@gmail.com। टाइम हो गया, 15 मिनट बचे हैं। आप, मुझे रेस्टोरेंट में उस लड़की ने कुछ कहा था। हाँ, मैं पूछने ही वाला था। उसने धीरे से तुम्हें कुछ कहा था? क्या कहा था? सर बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनका ख्याल रखूं। मैं जानती हूँ सर अच्छे इंसान है और उसने मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा। समझ में नहीं आता मैं ये कैसे करूं। जाने का वक्त हो गया। क्या हुआ? मुझे कुछ वक्त और रुकने दो। ऑलरेडी लेट है जानू। प्लीज राम। ऐसे मत देखो। अच्छा, पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं अभी आया। मैंने अपने लिए भी तुम्हारी फ्लाइट की एक टिकट ले ली थी। तुम्हारे जाने तक अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है?
अब फिर से आंसू? पूछो इन्हें, पूछो। शो मी प्लीज आईडी। सभी यात्री कृपया गेट नंबर 13B की ओर प्रस्थान करें।